कैलाश पर्वत पर पहुंचा, भोले बाबा का पूजन किया है। पूजन करने के पश्चात बाबा के स्वरूप को निहार रहा है, एक एक अंग का दर्शन कर रहा है भोले बाबा के। पहले चरणों का दर्शन करता है, फिर बागम्बर कमर कट प्रदेश का दर्शन करता है, फिर वक्ष स्थल का दर्शन करता है और तत्पश्चात मुखमंडल पर अपनी दृष्टि को जमा देता है और दर्शन करते करते मानो उसके मन में एक भाव जागृत होता है और कहने लगता है, तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो, तुम्हें मेरी मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो। जिधर देखते हो उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किने ख्यालों में तुम हो। जिधर देखते हो उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किने ख्यालों में तुम हो। अपने पूजन अर्चन से रावण ने भोले बाबा को प्रसन्न किया और जब बाबा प्रसन्न हो गए तब अपनी मांग रखी। ये नियम है, जिससे कुछ मांगना हो पहले बाकी खूब सेवा करो और जब वो प्रसन्न हो जाए तब मांगो तो तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी। वो अचानक सीधे सीधे बिना सेवा के मांगे चले गए तो दे रहा होगा तो नहीं देगा। तो भोले बाबा से कहा कि बाबा रोज रोज लंका से कम कैलाश पर्वत आना पड़ता है, अब कितनी दूर लंका है, कहाँ कैलाश पर्वत है, आने जाने में सब समय खराब हो जाता है। बाबा मेरी इच्छा है आप लंका में ही रहो ना। बोले बाबा बोले ले ये आए बड़े, दुनिया छोड़ के मैं कैलाश आया और ऐसी जगह आया जहाँ दुनिया कैलाश पर्वत ही उखाड़ के लंका में लगा लेंगे। उसने पूरा पर्वत उखाड़ लिया। अब भोले बाबा कहें ये तो गड़बड़ हो गया, आप क्या करें। तो भोले बाबा ने उंगली से पर्वत को दबाया, जैसे ही दबाया तो पर्वत अपनी जगह पर स्थिर हो गया, रावण की उंगली दब गई। अच्छा रावण कौन है?